केरल के सबरीमाला मंदिर में लगे बरगद के पेड़ में अचानक से आग लग गई है। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि पेड़ में आग अपने आप लगी है या किसी ने लगाई है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। ये बरगद का पेड़ सबरीमाला मंदिर की पवित्र सीढ़ियों के ठीक सामने है। आग बुझाए जाने के बाद मंदिर को दोबारा से खोल दिया गया। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी और रामेश्वरम के पंबन बंदरगाह पर तूफान का खतरा। थाईलैंड से चला पाबुक तूफान 8 जनवरी को टकरा सकता है। येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी दी गई है। चक्रवाती तूफान की वजह से कई इलाकों में तेज हवा के साथ भारी बारिश हो रही है। अयोध्या में 5 लाख हिंदुओं के बदले 25 लाख मुसलमानों को इकट्ठा करने की धमकी देने वाली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया दिल्ली में एक शाम बाबरी मस्जिद के नाम से मुशायरा करने जा रही है। ये मुशायरा 7 जनवरी की शाम को दिल्ली के एवाने गालिब ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। मणिशंकर अय्यर और शरद यादव मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे। गुजरात के राजकोट में लोक गायिका बरसाए गए। भारतीय रुपए के साथ साथ डॉलर भी उड़ाए गए। गुजरात में लोक गायकों और गायिकाओं पर इस तरह के नोट उड़ाने की परंपरा पुरानी है। स्टेज पर आए पैसे गायक और उनके सहयोगियों को आमतौर पर नहीं मिलते। कहा यह जाता है कि ये पैसा लोक कार्यों में लगाया जाता है। गुजरात में मकर संक्रांति की तैयारी में जोर शोर से जुटे हैं लोग। इस बार बाजार में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साथ पीएम मोदी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे संदेश वाली पतंगों की भरमार। पतंग और धागों के रेट पिछले साल के मुकाबले 10% बढ़ गए हैं, लेकिन पीएम दुकानदारों को पीएम मोदी की तस्वीर वाली पतंगों से ज्यादा मुनाफा है।